नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की जिद पर अड़ी कांग्रेस ने संसद में सड़क तक लड़ाई का नया विधान रच दिया है। लोकसभा में आज भी इस मुद्दे पर कांग्रेसियों ने चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया, लेकिन सभापति ने इस मुद्दे पर चर्चा की इजाजत नहीं दी थी। संसद में बार बार चर्चा की मांग ठुकराए जाने के बाद राहुल गांधी ने गुरुवार को नारे लिखे जैकेट पहनकर प्रदर्शन किया, तो आज राहुल और प्रियंका गांधी ने हाथ में संविधान लेकर सत्ता को अपनी जिद बता दी। कांग्रेस ने दो टू कहा, यह लड़ाई तानाशाही बनाम संविधान है। राहुल गांधी संविधान की हिफाजत के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। मास्क पर लिखा मुद्दा, काली पट्टी से बंद जबान, हाथ में बाबा साहेब का संविधान, रोके नहीं रुका राहुल का अभियान। जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। ये बात पहली बार लोहिया ने कही थी। हालांकि लोहिया ने जिसे जरूरी बताया था विपक्ष वो मजबूरी में कर रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष को जिन शब्दों से परहेज है संसद में भी उन विषयों पर पाबंदी लग चुकी है। विपक्ष चाहे बाकी सारी बातें कह ले, लेकिन वो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े मुद्दे नहीं उठा सकता। किसी खास शख्स का नाम आए तो पलक झपकते ही पीठासीन पदाधिकारी ही बदल जाते हैं। कैसे कहें ये संयोग है या प्रयोग है? नशीली दवाओं की तस्करी से भारत की सीमा सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। जब जब ड्रग्स की सप्लाई की बात होती है तब तब गुजरात के मुंद्रा पोर्ट का नाम जरूर आता है। ये बंदरगाह नशे की सप्लाई को लेकर बदनाम हो चुका है। कुछ महीने ही गुजरते हैं कि मुंद्रा बादशाह में नशे की खेप की बरामद करने की खबर आ जाती है। यह बड़ी पोर्ट है जहां 21,000 माने बड़ा पोर्ट है जहां 21,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। मानवर इस पोर्ट में आए दिन करोड़ों की सिक्योरिटी जब्त होती है। गुजरात ड्रग का सेंटर बन गया है और सारे ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट से निकल रहे हैं, लेकिन सरकार यहां कार्रवाई नहीं कर रही है। गुजरात के युवाओं के भविष्य नष्ट हो रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, क्योंकि मुझे आपके माध्यम की जरूरत है, क्योंकि इस मुंद्रा एयरपोर्ट के मालिक अडानी है, अडानी है, अडानी है। आप विषय पर बोले प्रमोद जी। विषय पे बोल रहा हूँ प्रमोद जी, विषय पर बोलिए। सिर्फ आप आ गए तो मैं विषय पे बोलूंगा। मानवर मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 वर्ष देखे तो मुंद्रा एयरपोर्ट गुजरात में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सीधे ड्रग्स आ रही, जो अडानी का ड्रग है। आप बताइए अफगानिस्तान और पाकिस्तान से कनेक्शन किसका है? मैं कहना चाहता हूं इनके दोस्तों का है, और इसीलिए तो मुंद्रा एयरपोर्ट से आ रहा है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अडानी के एयरपोर्ट से। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर तो कुछ चर्चा हो भी गई, लेकिन अमेरिकी कोर्ट से आए आरोपों पर सत्ता पक्ष ने खामोशी की चादर ओढ़ ली। जिस किसी ने सवाल उठाया उन सभी को खामोश कर दिया गया। चर्चा तो दूर की बात है, जैसे ही किसी ने उस मुद्दे पर जबान खोली उनकी बातें रिकॉर्ड से बाहर कर दी गई। जब कोई और चारा नहीं मिला तो सभापति ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राहुल मानो पहले ही जान गए थे कि संसद में इस मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। दलील ये कि दौलत के ढेर पर बैठे शख्स ने सत्ता के शिखर पर बैठे शख्स को डरा दिया और किसी एक की जांच होने से दोनों पर आंच आएगी। यही वजह है कि गुरुवार को राहुल गांधी ने जो संदेश जैकेट के जरिए दिया था, शुक्रवार को वही संदेश मास्क के जरिए पहुंचा दिया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर संविधान बनाम तानाशाही की जंग ताजा कर दी। अम्बेडकर एनिवर्सरी The person who made the Constitution of India, entire constitutional right has been violated here
फॉर अडानी, वी आर डूइंग अ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट। राहुल की दलील है कि सत्ता पक्ष सब कुछ सुन सकता है, लेकिन एक धन्ना सेठ का नाम आते ही उसकी जबान सिल जाती है, घिग्गी बंध जाती है। जब भी कोई उस पर आरोप लगाता है, उस पर सवाल उठाता है, सत्ता पक्ष की पूरी टोली उस शख्स पर टूट पड़ती है, उसे चुप कराने के खातिर नई नई योजनाएं बनाती है, बिना किसी ठोस सबूत के उन नेताओं को बदनाम करती है, संसद तक में अनर्गल प्रलाप करती है और सभापति भी उन्हें रोकने टोकने की जहमत नहीं उठाती। वैसा ही राहुल गांधी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और संजय राउत उसको ट्वीट करते हैं और ये पार्लियामेंट्री रैल हो जाता है। इसी तरह से सोरोस ने पीएम मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, पीएम मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, पीके नेहरू की भारत के राजनीतिक इतिहास के एकमात्र चुनाव थे जब विदेश में कोई रिपोर्ट नहीं, विपक्ष रिपोर्ट नहीं, भारत के इतिहास का एकमात्र चुनाव था जब विदेश की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा में हुए इस वाक्य से भी प्रियंका गांधी विचलित नहीं हुई। दलील ये कि राहुल सच बोलते हैं, वो सच सत्ता को चुभ जाता है और इसी बौखलाहट में वो राहुल गांधी से नेहरू तक को देशद्रोही बता डालते हैं। लोग जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 13 साल आजादी की लड़ाई में जेल में काटे उनको देशद्रोही कह सकते हैं, जो इंदिरा जी को देशद्रोही कह सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को के दो टुकड़े किए, जो शहीद हुए इस देश के लिए, जो राजीव जी को देशद्रोही कह सकते हैं, तो अगर वो राहुल जी को ऐसा करें तो इसमें कोई नई बात तो है। मुझे बहुत गर्व है अपने भाई पे। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या कह रही हैं? मेरे भाई के लिए देश से ऊपर कुछ नहीं है। वो 8000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है, 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की एकता के लिए। मैम क्या ये लोग कुछ भी कहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्लियामेंट के नियम के विरुद्ध है, क्योंकि पार्लियामेंट के नियम स्पष्ट थे इस विषय पे। पहली बात है कि आप नोटिस देना चाहिए, राहुल गांधी को लिखे बोले कि मैं कल आपके खिलाफ आरोप बोलने वाला हूं। ये कभी नोटिस नहीं मिला, नहीं किया, और जिस किस्म के आरोप वो कर रहा है ये बिल्कुल, किसी को ऐसे देशद्रोही कहना पार्लियामेंट के भीतर बिल्कुल नहीं चलता है। और ये सब हो रहा है, इसमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की भी वायलेशन है। देश के नेता प्रतिपक्ष एक ऐसे व्यक्ति जिनके खानदान का बलिदानी खून आज भारत माता की रगों में भी दौड़ रहा है, इस देश की मिट्टी को सींचने का काम कर रहा है, उस राहुल गांधी को देशद्रोही कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? इतनी निर्लज्जता मुझे लगता है आज ये देश की जनता जानना चाहती है। संविधान कांग्रेस की शक्ति है, संविधान कांग्रेस की प्रेरणा है, संविधान की हिफाजत राहुल का संकल्प बन चुका है। यही वजह है कि वो सत्ता और सियासत के हर तिकड़म का जवाब संविधान में ही ढूंढते हैं, निराशा हताशा के हर घेरे को संविधान के शब्दों से तोड़ते हैं। तभी तो सत्ता की ताकत उनका हौसला नहीं तोड़ पाती, राहुल को डरा नहीं पाती। निश्चल अविरल निरंतर राहुल गांधी जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। आपके आरोपों से, आपकी गीदड़ भक्तियों से न डरे हैं न डरेंगे। संविधान ने कमजोरों को संरक्षण दिया, दलित आदिवासियों को आरक्षण का हक दिया है और राहुल गांधी संविधान से प्रेरणा लेकर ही इस हक के विस्तार की बात करते हैं। दलितों पिछड़ों के आरक्षण बढ़ाने और उसे जमीन पर लागू करने के लिए जाति जनगणना की बात करते हैं। संविधान में राहुल की आस्था और संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब के लिए उनकी श्रद्धा भी जग जाहिर है। महापरिनिर्वाण दिवस बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देते वक्त राहुल के शब्दों में इसके सबूत ढूंढे जा सकते हैं। संविधान लिखने वाले अंधकार में था जीवन, तुमने किया उजाला अंधकार से